हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे होमगार्ड विभाग की एक और नई भर्ती की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर होमगार्ड विभाग के अंतर्गत 400 से ज़्यादा खाली पदों को भरने के लिए भर्ती होने जा रही है। पाँचवीं पास, नौवीं पास और डिग्री धारक कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए क्या आपका कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक अप्लाई कर सकते हो, इन सब चीज़ों की पूरी जानकारी के लिए बने रहिए इस वीडियो में एंड तक हमारे साथ। इस वीडियो को एंड तक देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो गाइस, बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट indsarkarinaukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहां पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड करा दी गई है। सिविल डिफेंस एंड होमगार्ड के अंतर्गत सब इंस्पेक्टर, गार्ड्समैन, ड्राइवर और नॉन कॉम्बैट एम्प्लॉयज के लिए 445 वैकेंसीज निकली है। आप 1 अप्रैल 2024 से 1 मई 2024 तक अप्लाई कर सकते हो। सैलरी आप नोटिस से चेकआउट कर सकते हो। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो सब इंस्पेक्टर के लिए आपका ग्रेजुएट डिग्री पास होना जरूरी है। गार्ड्समैन और ड्राइवर की पोस्ट के लिए आपका 9वीं क्लास पास होना जरूरी है। नॉन कॉम्बैट एम्प्लॉय के लिए आपका 5वीं क्लास पास होना जरूरी है। आयु सीमा SI के लिए 20 से 27 साल रखी गई है। गार्ड्समैन और ड्राइवर के लिए 18 से 27, नॉन कॉम्बैट एम्प्लॉय के लिए 18 से 32 साल आपकी आयु सीमा रखी गई है। फीस यहां पर आपको 50 रुपये जमा करानी होगी। सिलेक्शन आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, रिटन टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर होगा। ऑफलाइन आप अप्लाई कर सकते हो। जॉब लोकेशन मेघालय है। ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट है meghomeguards.gov.in। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग पूरी डिटेल प्रोवाइड करा दी गई है, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उसके लिए आपको सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी, कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, पूरी डिटेल यहां पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दे दी गई है। साथ ही साथ यहां पर आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्वालिफाइंग की क्या होनी चाहिए वो भी आपको प्रोवाइड करा दी गई है। आपको सभी डिटेल्स यहां से 1 by 1 करके केयरफुली रीड आउट करनी है, चेकआउट करनी है और उसके बाद आपको अप्लाई करना है। अप्लाई के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पर ही एप्लीकेशन फॉर्म PDF का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहां पर गवर्नमेंट ऑफ मेघालय डायरेक्टरेट ऑफ सिविल डिफेंस एंड होमगार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट खुलेगी। गाइस, यहां पर आपको 1 अप्रैल 2024 को इसी सेक्शन में जहां पर ये एडवर्टाइजमेंट की PDF दी गई है, यहीं पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म की PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी, जिसको डाउनलोड करके आपको अपना फॉर्म फिल करके लास्ट डेट से पहले सबमिट कर देना है। तो दोस्तों, ऐसे आप होमगार्ड विभाग की इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।